दिस इज मी मुकदस हैदर क्या हाल चाल है उम्मीद है कि जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे आज की जो वीडियो है वो अगेन एक बहुत मज़े की प्रोडक्ट के ऊपर है सर्दियां आपको पता है अभी स्टार्ट होने वाली हैं गर्मियां जा रही हैं लेकिन बीच में ऐसा होता है गर्मी जाते जाते फिर वापस आ जाती है एनी हाउ आपको पता है जैसे ही सर्दी या गर्मी का मौसम चेंज होता है तो कुछ प्रोडक्ट्स आपको सीजन के अकॉर्डिंगली चेंज करनी पड़ती हैं इसी तरह से काफी सारी वीडियोज मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी कि जब गर्मियों का मौसम आता है तो मैं कौन सी प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ स्विच करती हूँ और जैसे ही सीजन जो है वो विंटर्स का आता है तो आपको प्रोडक्ट्स जो है वो चेंज करनी पड़ती हैं अच्छा लास्ट ईयर जो मैं प्रोडक्ट्स यूज कर रही थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अगर आप लोग वो लेना चाहो या वो रूटीन फॉलो करना चाहो तो यू आर मोस्ट वेलकम आज की जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली ये एक कोरियन ब्रांड है स्नेल ट्रोसिका इस प्रोडक्ट का मैं आज आप लोगों के साथ रिव्यू करूंगी तो जल्दी से हम लोग करते हैं वीडियो स्टार्ट कोरियन so, स्किन का आप सबको पता है कितनी ग्लॉसी कितनी यू नो प्लम और बड़ी शाइन सी कर रही होती है बड़ी हेल्दी सी स्किन होती है और हर बंदा यही चाह रहा होता है कि हमारी भी ऐसी जूसी सी और बड़ी प्यारी सी स्किन हो जाए सो डिफरेंट चीज़ें आप ट्राई करते हो आप लोग कोरियन लाइक स्किन चाहते हो ग्लॉसी और जूसी सी स्किन चाहते हो तो आपको हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा ठीक है क्योंकि मेन चीज़ जो है वो हाइड्रेशन है अगर आपकी स्किन को हाइड्रेशन बहुत अच्छी मिल रही है तो वो नेचुरली प्लम्प करेगी शाइन करेगी ग्लॉस उसके ऊपर आ जाएगा सही है सो so, स्नेल ट्रूसी का जो है जनाब ये ब्लैक स्नेल जो होता है उसका स्लाइम होता है उसका म्यूसिन होता है तो अगर काफ़ी सारे लोग हैं हो सकता है उनको थोड़ा सा ई वाली फीलिंग आए कि हाँ ये क्या चीज़ है बट देखो ई वाली फीलिंग ना करो अगर जेन में आता ना तो जेन आगे पीछे करके यूज़ कर लो कुछ नहीं होता आ, मुझे भी जब पता चला था ना कि ना यार ये वाला सीन है इसके अंदर तो मुझे थोड़ा सा हुआ था इवन मैंने जब प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू की और जब मैं प्रोडक्ट डालती थी तो मेरे माइंड में आता था अच्छा भाई ये उसका म्यूजिन है ठीक <laughs> है लेकिन आपको जब यूज़ करना है तो आपको ये चीज़ें साइड पर रख के आपने ऐसे मेडिसिन यूज करना है अच्छा इसकी कोई स्मेल ऐसी नहीं है कि जो आप मतलब पहले की जी हमारा दिल खराब हो रहा है ये सुन के स्नेल म्यूसन है और फिर साथ ही आ, इसकी स्मेल भी कोई ऐसी हो बिल्कुल बड़ी अच्छी सी स्मेल है इसकी कोई आपको इरिटेट नहीं करेगी हाँ जी जनाब तो इस किट के अंदर आपको चार प्रोडक्ट्स मिलेंगे पहला प्रोडक्ट है स्किन रिपेयरिंग क्लेंसर फिर नंबर टू पे आएगा इसका टोनर फिर नंबर थ्री पे आएगा इसका सीरम और फिर आएगा लास्ट प्रोडक्ट जो होगा इसकी क्रीम वन मंथ ट्रायल किट है सबसे मजे की बात जो मुझे लगी है ना वो ये लगी है कि ऐसे ब्रांड या ऐसे perfume brands जो के इस तरह का कोई आपको बड़ी सुकून में आ गई है क्योंकि होता क्या जब आप ऑनलाइन मंगवाते हो कोई चीज तो आप कहते हो कि यार मेरी स्किन को ये सूट नहीं की और आपने इतनी बड़ी बोतल मंगवा ली या इतनी महंगा परफ्यूम मंगवा लिया लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा सो so, टेस्टर और इस तरह के जो ट्रायल्स होते हैं वो अगर आप लोग को तो मिल जाए तो मेरा हाल है वो अच्छा होता है रकम भी सेव हो जाती है आपकी आपको पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है इस पर इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना ठीक है आपकी स्किन आप कहते हो कि मेरी स्किन एक्सेसिव किस्म की ड्राई है तो दिस प्रोडक्ट इज फॉर यू ठीक है अगर आप कहते हो कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी हुई है ड्यू टू सन रेज और ड्यू टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स तो मतलब आपको रिपेयरिंग के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए तो ये वाला प्रोडक्ट आप लोगों के लिए ठीक है अगर आप कहते हो कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हुई है रेड रेड रहती है तो ये वाला प्रोडक्ट आप लोगों ने यूज करना है ठीक है अगर आप लोग कहते हैं कि जी हमारे फेस के ऊपर एक्नी स्कार्स हैं बहुत ज़्यादा ये प्रोडक्ट आप लोगों ने यूज करना है अगर आप लोग कहते हो कि जी मेरे फेस के ऊपर एक्नी के एक्नी होती रहती है आई I मीन mean... मेरे जैसा बंदा क्योंकि मेरी जरा सी रूटीन आगे पीछे हो जाए ना या मैं एक दिन अगर फेस वॉश करके ना सो मेकअप के साथ ही सो जाऊँ तो दूसरे दिन ही मेरे फेस के ऊपर छोटे छोटे से दाने निकल आते हैं अगर इस तरह का इशू है तो आप लोग भी ये यूज कर सकते हैं अगर आपको बड़ी हाइड्रेटेड स्किन चाहिए बड़ी शाइनियर स्किन चाहिए जिस तरह की कोरियन की स्किन है उनकी ग्लॉसी हेल्दी बड़ी चमीसी स्किन होती है बड़ी चमी सा फेस होता है उनका अगर इस तरह की स्किन चाहिए तो फिर आप लोग ये वाला प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं सेंसिटिव स्किन वाले यूज कर सकते हैं ड्राई स्किन वाले यूज कर सकते हैं ऑयली

आपकी स्किन को इवन टोन कर देगा ठीक है इसके अंदर वाइटमिन ई e भी है जो कि आपकी डैमेज स्किन को नरिश करता है रिपेयर करता है प्लब बनाता है ठीक है सो so, इसके अंदर हाइलोरॉनिक एसिड भी है सो so, अगर ये तीनों चारों चीज़ें हैं देखिए मेरी जितनी भी वीडियोस अगर आप पहले से मुझे फॉलो करते हो आपको आइडिया होगा मेरी आ, हर वीडियो के अंदर तकरीबन क्या होता है हाइलोरॉनिक एसिड है वाइटामिन सी है वेटनॉल है इस तरह की चीज़ें हैं सो so, आप लोगों को अगर वो सारा कुछ जो है वो इस एक स्टार्टर किट के अंदर मिल जाए तो मेरा ख्याल है हमें कुछ और परचेज करने की जरूरत नहीं है एजिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर है ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर है कोई तो चिपचिप फीलिंग नहीं आएगी आपको होता ना कि जी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लग गया है या बहुत मतलब ऐसे जैसे फेस के ऊपर ऑयल आया हुआ है ऐसा नहीं हो कि जी हम लोग अगर ये यूज करते हैं हमें तो वैसा रिजल्ट नहीं मिला हमारी स्किन जो है वो उस तरह से रिजल्ट नहीं दे रही जो हमने एक्सपेक्ट किया था तो शायद आप लोग इसकी एप्लीकेशन गलत कर रहे हो जिस तरह से हाइलोरिक एसिड आपको डैम स्किन के ऊपर लगाना होता है इसी तरह से इसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी आपको डैम स्किन पर लगानी होती हैं अच्छा जी जो पहला प्रोडक्ट है वो है इसका फेस क्लेंज़र फ़ेस क्लेंज़र हम लोग लेंगे इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से जैसे कोई भी फेस क्लेंज़र होता है ना बिल्कुल इस तरह से होता है इसको थोड़ा सा गीला करके आपने अच्छा सा इसका फॉर्म हाथों पे बना लेना उसके बाद इसको फेस वॉश से कर लेना है फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा जनाब इसका टोनर अप्लाई करना है टोनर 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 इसका अप्लाई करना है इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से है मेड इन कोरिया आप देख सकते हो कि इसके बॉटल पर लिखा हुआ है टोनर जैसे बिल्कुल बाकी ui or... o प्रोडक्ट ले लो ना किसी और कंपनी की बिल्कुल वैसा ही टोनर इसका है आपने डैम्प स्किन के ऊपर लगाना है ड्राई uh, स्किन नहीं होनी चाहिए ये मेक श्योर sure कर लीजिएगा क्योंकि अगर ड्राई स्किन के ऊपर लगाओगे ये सारे प्रोडक्ट्स तो कोई फ़ायदा नहीं है ठीक है And... अभी आप देख सकते हो कि मैं इस तरह से इसको किस तरह से स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब कर रही हूँ अच्छा उसके बाद जो थर्ड प्रोडक्ट है वो है हमारा सीरम ठीक है सीरम uh, भी आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हो पैकेजिंग बहुत प्यारी है और बड़ी मतलब फैंसी सी पैकेजिंग है इसकी uh, आपने अपनी बट के मुताबिक लेना है इसमें मैंने ये देखा है कि थोड़ा सा कम मुझे लगा मैंने और सीरम ले लिया जैसे कोई भी मॉइस्चराइजिंग सीरम हो गया हलरॉनिक एसिड सीरम 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 हो गया बिल्कुल वैसी इसकी कंसिस्टेंसी थी आपने लेके इसको अच्छे से फेस के ऊपर डैम्प स्किन के ऊपर अगेन टोनर अभी आपका ड्राई नहीं हुआ होगा आपने साथ ही जो ये सीरम है उसको स्किन के ऊपर हल्के से इस तरह से लगा के जैसे मसाज नहीं कर रहे होते स्किन की वैसे करते करते इसको एब्जॉर्ब कर लेना है ठीक है अच्छा जी यहाँ पे मुझे लग रहा था कि यार बिल्कुल ही भद्दी लग रही हूँ तो कुछ फ़ेस पे या कुछ लिप्स पे टेंट लगा लूँ तो ये ऑर्गेनिक्स प्रॉमिस का जो है वो मैंने आ, टेंट लिया था अभी ये यूज़ करी उनकी प्रोडक्ट इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी ओके okay, जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है इनका लास्ट स्टेप जो क्रीम है ठीक है अच्छा क्रीम जैसे बिल्कुल कोई मॉइस्चराइज़र होता है बिल्कुल उस तरह से है इसकी कंसिस्टेंसी अगर आपको लगता है कि आपके लिए यही काफ़ी है तो आप ये लगा सकते हो ठीक है अगर ज़्यादा क्वान्टिटी में लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो वो आपकी मर्जी है यहाँ पर इसको देखो कि ये स्नेल की जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनके अंदर ये चिपचिप वाली खासियत है जो कि आपकी स्किन बैरियर को बहुत स्ट्रॉन्ग सा बना देती हैं कोलेजन को, को प्रोड्यूस करती हैं और स्किन का आपका जो स्किन का जो टेक्स्चर होता है ना उसको बड़ा इन्स कर देती हैं और बड़ी सेहतमंद किस्म की और प्लम्पी सी आपकी स्किन लगती है इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लो अगर आपको लगता है कि जी ये मॉइस्चराइज़र जो है वो एनफ़ नहीं है तो इसके बाद आप कोई और जो रेगुलर मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हो ठीक है सो इस रूटीन को आप फॉलो करें तकरीबन एक हफ़्ता आप यूज़ करोगे ना इसकी पूरी किट को तो आपको रिज़ल्ट जो है ना वो आपके सामने होंगे के, and I know कि आप लोगों को ये पसंद है मेरी तरफ से आ, स्नेल ट्रूसी का की ये जो किट है ये हंड्रेड परसेंट है हंड्रेड परसेंट है ये थी मेरी आज की वीडियो आई होप क्या को अच्छी लगी होगी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा इन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखे अल्लाह